أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي المجتهدون الذي ليس المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى اله ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد قال الحكيم في قران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله راسخون في العلم صلوات एक सलवात और अदिया करेंगे इससे बेहतर सलवात अदिया करें सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 7 परवरदिगार आलम अपने इस कलाम में इरशाद फरमा रहा है यह कुरान की आयत है और सूरह आले इमरान की आयत है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब वो अल्लाह जिसने ऐ हबीब आप पर किताब को नाजिल किया। सबसे पहले तो बात रोशन यही हो गई कि तो ये कह रहा है कि अल्लाह ने किताब नाजिल की है, तो किताब नाजिल की है तो हमें किताब ही माननी है कि वो नाजिल हुई है और ये कल्बे मुस्तफ़ा पे उतरी है। कल्बे मुस्तफ़ा पे जो किताब उतरी है वो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी जी लो अंजलना हादल कुरान अला जबलिन, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतारा होता लरायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, तो ऐ मेरे हबीब तुम देखते कि पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेश नहीं कर सकता था। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि हर बात हर जगह नहीं की जाती। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद हर पैगाम हर के लिए नहीं होता, हर 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 जगह जाने और पहुंचने की नहीं होती, हर काम हर जगह नहीं किया जाता। सवारी अगर कहीं उतरेगी तो पहले वो जगह इतनी वजनी होनी चाहिए जो उस सवारी को बर्दाश्त कर सके। भाई थके तो नहीं बैठे? फरिश्ता हर घर में नहीं आता। सलावात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां फरिश्ता, अच्छा फरिश्ता तो हमारे घर में भी आता है, और जो फरिश्ता हमारे घर अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ये आईना जनाबे जहरा के, जनाबे जहरा के आईने को जनाबे मरियम कहते हैं। तो आईना जनाबे मरियम का है, मैं नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल ने कहा है। ये सिर्फ मेरा अकीदा नहीं है, मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरक का ये अकीदा है। वो हजरत मरियम के आईने में जनाब जहरा की मारिफत हासिल करते हैं। मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, थोड़ी गर्दन हिलाना भाई बात जा रही हो तो। मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, फारसी है ये। मरियम एक निस्बत हजरत ईसा की वजह से साहिब इज्जत है। ये निस्बत है ना कि हजरत ईसा की मादर गिरामी।
मरियम अज एक निस्बत ईसा अजीज, एक निस्बत हजरत ईसा की वजह से हजरत मरियम साहिब इज्जत हैं, अजीज हैं, अजीज इज्जत वाली हैं। असह निस्बा साहिब इज्जत हैं। वो तीन निस्बतें क्या हैं? नूरे चश्मे रहमतुल आलमीन। पहली निस्बत यह है कि वो रहमतुल आलमीन की आंखों की ठंडक। अब मैं क्या करूं कि जी जी तवज्जो है, यानी औलाद, लड़के तो बैठे हैं, लड़के को बेटे की बेटे की जो औलाद है ना, बेटा जो औलाद की सूरत में जो बेटा होता है ना, उसे नेमत और अल्लाह की रहमतें मुझे सुन रही हैं। तो मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, जो रहमतुल आलमीन पे रहमत, सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो जनाबे जहरा का वजूद, तो वो जो पहला उन्वान अजमत है सैयदा का, वो है नूरे चश्मे रहमतुल आलमीन। रहमतुल आलमीन की आंखों की ठंडक सैयदा। के दो जलवे हैं, एक जलवा उनका कबलज विलादत जलवा, एक उनका पहलू, एक उनका वजूद विलादत से पहले का है, और एक जलवा परस्त है। हाँ, वो जो कहते हैं कि भाई ये वहां कैसे थे, ये वहां कैसे हो गए, जब मैंने एक जगह कह दिया, जब मैंने, क्योंकि सैयदा की बात आई है तो हलक से जल्दी उतरेगा नहीं, तो मैं अगर ये कह दूं कि जिब्रील नहीं थे और मोहम्मद मुस्तफा थे, तो हजम नहीं हो रहा लोगों से, जिनसे नहीं हो रहा मैं उनकी बात कर रहा हूं ना, कहने भाई ये क्या बात हुई कि नबी मुकर्रम जिब्रील कब से नहीं थे। भाई कुछ नहीं था, अव्वलों मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मुस्तफा के नूर को बनाया। सबसे पहले नबी फरमा रहे हैं, सबसे पहले मैं बनाऊं, और फिर अल्लाह ने जब मेरा, फरमाते हैं अल्लाह ने जब मेरे नूर का टुकड़ा किया तो दूसरे टुकड़े का नाम अली रखा। बलंतर सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ नहीं था, इनका भी इमाम है। अव्वलीन कौन है? अल अव्वलीन में जो नबी से पहले वाले, आखरीन कौन है? जो नबी के बाद वाले, कम से कम इतना तो मानेंगे ना, जो नबी के आने से पहले वाले हैं ये अव्वलीन है, ये इनके भी इमाम है। यानी हजरत सरकारे दो जहां नबी मुकर्रम हजरत आदम से लेकर सरकारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये अव्वलीन के इमाम। अच्छा, इमाम तो आगे होता है, थोड़ा मेरा साथ चलिए भाई, मुझे मेहनत कम करना पड़े, आप इशारों में ले लें बात को। इमाम तो आगे होता है ना, आपने जा नमाज आगे, ये जो अपने से आगे खड़े हैं, आगे आए हुए हैं, उनके भी इमाम है। तो भाई बात बहुत रोशन है, जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया था उसे भेजा सबसे आखिर में, जो सबसे पहले बना था वो सबसे आखिर में है। ये अल्लाह का काम तो देखिए, सरकार को सबसे पहले बनाकर अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मुस्तफा के नूर को बनाया। जी जिसे सबसे पहले बनाया था उसे सबसे आखिर में, सबसे पहला ही है, और जो पहला होता है वो पहला होता है, यानी वो होता है जो मतलूब होता है, जो मकसूद होता है। जी बिला सिर्फ जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आप जब अशरे के बारे में तय करते हैं तो पहले खतीब का तय करेंगे ना, फिर तय करेंगे सलाम कौन पढ़ेगा,
फिर तय करेंगे कि नौहा कौन पढ़ेगा, फिर तय करेंगे कि ज़ियारत कौन पढ़ाएगा, फिर तय करेंगे कि साहब तबर्रुक क्या होगा। सारी बातें बाद में तय होंगी, पहले तय होगा कि खतीब कौन होगा, जिसे आप सबसे सबसे आखिर में क्यों आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहले दुनिया में, जो सबसे पहले बनाया गया है, वो मतलूब और मकसूद है। असल तो वही है, असल तो वही है, बाकी सब उसके तुफैल में, बाकी सब उसकी बरकतों से हैं। सबसे पहले तो बस वही है, तो फिर उसके लिए इंतजामात होंगे। ये हजरत आदम नहीं आए, ये नबी की तमहीद आई है। भाई मैं अपने मसीही बिरादरी से ये कहूंगा कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर अलैहिस्सलाम कहवे हों उनका नाम नहीं लेते, यानी हजरत ईसा का नाम लेकर हम फौरन और एहतराम हमारे यहां पाया जाता है। इस पर हमें इफ्तखार है, इस पे हमें खुशी है। हज्जाज इब्ने यूसुफ, एक बड़ा जालिमों में बड़ा नाम, कल मैंने आपसे अर्ज किया था कि हज्जाज इब्ने यूसुफ भी हाफिज कुरान था। हाँ, हज्जाज इब्ने यूसुफ भी इतना बड़ा जालिम भी हाफिज कुरान था जी। ये वही तो हाफिज कुरान है जिसके लिए खुद नबी ने फरमाया रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कितने ही कारियान कुरान है जिन पे खुद कुरान लानत करता है जी। बड़े बड़े जालिम भी अगर कुरान के हाफिज हों तो फिर कुरान उनके ऊपर पलट के रहमतें नहीं बरसाएगा। यही कुरान कह रहा युदल्लु बिहिल कसीरा, कितने ही लोग हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। अरे कुरान तो हिदायत देने आया है भाई, कुरान का काम तो हिदायत देना है। ये कौन लोग हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं? ये वही लोग हैं जिनके दिल में अली नहीं है। जो बगैर नबी और आले नबी के कुरान पढ़ें, खुद कुरान उन पे लानत करता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ एक दिन कहने लगा कि कुरान की एक आयत ने तो मुझे थका डाला, मैं थक गया हूं इस आयत को पढ़कर। तो बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा जी वो कौन सी आयत है? तो उसने कहा यह आयत कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन मिन अहलिल किताब इल्ला लितुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यकूनु अलैहिम शहीदा। अहले किताब यानी तौरात और इंजील के जितने मानने वाले हैं उनमें से कोई भी बगैर मोमिन हुए, बगैर ईमान लाए हुए दुनिया से नहीं, मुसलमान ही नहीं हो रहे। और कुरान कह रहा है ये मुसलमान मोमिन हुए बगैर तो मुझे थका रही है। तो अब मैंने ये तय किया है जितने भी यहूदी और ईसाई हैं, वो कहता है भाई मैंने तय नहीं किया, वो कहता है कि अब मैंने ये तय किया है कि जितने भी यहूदी और ईसाई हैं उन सबको अपने हाथ से मार दूं, अपने जल्लादों से मरवा दूं, इसलिए कि मोमिन नहीं हो रहे और दुनिया से जा रहे हैं। और कुरान कह रहा है ये मोमिन होकर दुनिया से जाएंगे। तो वहां बैठे हुए एक शख्स ने आवाज देकर कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं? तो कहा कि कहो, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कहा कि ये आयत तो आखिरी जमाने की है, आखिरी जमाने में इस आयत को समझा जाएगा। ये नबी के जमाने में नाजुल हुई है मगर समझ में आएगी आखिरी जमाने में। इसका मतलब यह है कि कुछ आयतें नबी के जमाने में आई हैं, समझ में आएंगी आखिरी जमाने में जी। जैसे कुछ आयतें आई नबी के जमाने में हैं, समझ में आखिरी जमाने में आएंगी, ऐसे ही अली आए। मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जो समझाने की कोशिश ना करूं। उलझने बांटने के लिए नहीं आया जी, उलझने सुलझाने का मेरा काम है। जैसे जैसे शऊर बशर बढ़ता जाएगा, भाई तवज्जो बढ़ाएंगे, जैसे जैसे शऊर बशर बढ़ता चला जाएगा अली समझ में आता जाएगा। समझने की सलाहियत बढ़ाना पड़ेगी, जितना मेरा समझने की सलाहियत बढ़ेगी इतना ही अली समझ में आएंगे जी। मौला अली को समझने के लिए
मौला अली की मारिफत हासिल करने के लिए मयार बढ़ाना पड़ेगा। इतना बड़ा मजमा अंदर बैठा है, तिल धरने की जगह नहीं है, ऐसे ही बाहर की कैफियत है। ठीक है, जितने लोग यहां बैठे हैं ना, चाहे वो मुसलमान सुन्नी हो या शिया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे वो मसीही हो या मुसलमान, जितने लोग आए बैठे हैं ना, इतने ही अली हैं। अली इब्ने अबू तालिब एक है, अली इब्ने अबी तालिब एक है, मगर अली सब मौला अली को अपने मयारे फहम के मुताबिक मानते हैं। भाई आप कैसे खफा हो रहे हैं मुझसे जब सलमान और अबू जर एक जैसा नहीं मानते? जब नबी के सारे सहाबा अली को एक जैसा नहीं मानते, तो मैं और आप एक जैसा कैसे मानेंगे? तो जिसका जितना जैसा फहम है, ऐसे ही अली मौला को मानता है, ऐसे ही अली मौला को मानता है। कोफी अन्नान जब खत उठाकर दिखाएंगे अक़वामे मुत्तहिदा में 2005 में जब सेक्रेटरी जनरल थे, कि अली इब्ने अबी तालिब ने जो खत लिख कर दिया है अपने गवर्नर को, वही हुकूमत चलाने का जामे निजाम है। अगर हुकूमतों को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर हुकूमतों को कामयाब चलाना चाहते हो, तो अली का लिखा हुआ निजाम हुकूमत चलेगा। वो बोलने वाला मुसलमान नहीं है, कूफी अन्नान तो मसीह का है जी। हर तबके का अपना मिजाज है, ताजरों का अपना मिजाज है जी, जजेस का अपना मिजाज है, जमींदारों का अपना मिजाज है, फोर्सेस के लोगों का अपना मिजाज है, अफसरान का अपना मिजाज है, रईयत का अपना मिजाज है। मौला अली ने 9 तबकों को बयान करने के बाद फरमाया, और वो तबका जो सबसे ज्यादा, जो सबसे तादाद में ज्यादा है, जो तादाद में सबसे ज्यादा है और नजरअंदाज होने में भी सबसे ज्यादा है। क्या हसीन जुमले मौला अली के, फरमाते हैं जो तादाद में भी सबसे ज्यादा है और जो नजरअंदाज भी सबसे ज्यादा किया जाता है, मौला अली ने उसका नाम दिया है तबकतुस्सुफला। अपने खत के अंदर तबकतुस्सुफला, वो जो सबसे कम तरीन जाने वाला तबका है, वो है अवाम का तबका। अल्लाह अकबर, जिनके बुनियादों पर सारे तबके बनते हैं अवाम। फिर इतना तौहीन की जाती है इस अवाम की कि कहते हैं अवाम कल अनाम, अवाम तो जानवरों की तरह है। और फिर ना सिर्फ कहते हैं अवाम जानवरों की तरह है, ये मानते भी हैं। मेरी बड़ी जिम्मेदारी है भाई, जहां मुझे इस बच्चे को कुछ अच्छा बना के मजलिस से भेजना है, वहां इस माइक पर बोलने से मुझे कहीं और भी तो पैगाम देना है। इमाम हुसैन का दस्तरखान किसी एक तबके के लिए नहीं है। लिहाजा फरमाया, ए मालिक वो जो तबका तो सुफला है, अगरचे मेरे मजमून ये नहीं था, आज मेरे इरादे में नहीं था, लेकिन बात आई है। फरमाते हैं मालिक, वो जो तबका तो सुफला है, सबसे कमजोर तबका है, जिनकी तादाद भी ज्यादा है, उनका ख्याल औरों से ज्यादा रखना। अली बोल रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मौला अली के उस एहसान के ऊपर जो फकीरों के इमाम ने फकीरों का ख्याल किया है। सलवात पढ़े मौला की जात पर, उनसे मुलाकातें ज्यादा रखना। और देखो, ये तुम्हारी आंखें बन जाएं ऐसे मिलना, क्या खूबसूरत अल्फाज है। ये अवाम तुम्हारी आंखें बन जाएं ऐसे उनसे मिलना कि अब तुम उनके जरिए देखने लगो, ये तुम्हारी जबान बन जाएं ऐसे मिलना, तुम बोलो गोया वो बोलें, वो तुम्हारी जबान में बात करें, ऐसे इनके साथ अपना रवैया रखना। अली मौला अमीरुल मोमिनीन यूं ही नहीं है, बल्कि अब आप, मैं भी ले आया हूं आपको मौला के सीरत के इस पहलू के ऊपर, तो कुछ देर और मेरा साथ दीजिए।
मौला अली सबसे ज्यादा किसे देखकर खुश होते थे? उस जमाने में महंगी सवारी सुर्ख ऊंट था, सुर्ख ऊंट। आज आप कुछ भी नाम दे दिए, कोई मैं नाम ले दूंगा तो उस कंपनी की तबलीग कर दूंगा, तो मैं गाड़ियों की कंपनी के नाम ही नहीं ले रहा। आप खुद ही सोच लीजिए कि कौन सी गाड़ी महंगी होती है। उस वक्त में सबसे महंगी सवारी जो थी ना, वो सुर्ख ऊंट था। सुर्ख ऊंट जिसके पास होता था वो बड़ा पैसे वाला होता था। सुर्ख ऊंट नायाब ऊंट था, जिन्स में अच्छा होता था, दौड़ने में, चलने में, सवारी देने में, मालिक के साथ रवैये में, उसका जो तरीका था वो सब ऊंटों से ज़्यादा अच्छा होता था। तो जिसके पास एक सुर्ख ऊंट भी होता था वो पैसे वाला शुमार होता था जी। एक ऊंट जिसके पास था वो पैसे वाला शुमार होता था। सैयदा खतीजा के पास 80 ऊंट थे, यही वाले, ये सुर्ख ऊंट जनाबे खतीजा के पास 80 की तादाद में थे। तभी मलीकतुल अरब कहलाई, अरब की मलीका, जो ताजरों की सैयदा हो जी। तो जो ये जो हजरत ने फरमाया कि एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, तो हमारा चेहरा तो, या मैं अपने ऊपर रख के कह रहा हूं भाई, मुझे माफ कीजिएगा, हम तो खुश होते हैं जब कोई इस टाइप की गाड़ी हमें मिल जाए, इस टाइप की सवारी हमें नजर आ जाए, या कोई हमें और, तो हमारा चेहरा पता नहीं कहाँ कहाँ खुश होता है। लेकिन मौला अली का चेहरा कहाँ खुश होता था? मौला अली के चेहरे पे चमक कब आती थी? जब किसी फकीर को देखते थे। डिफेंस में मजलिस पढ़ रहा हूं, सलवात पढ़ लें। अली खुश नजर आते थे उस वक्त जब किसी फकीर को देखते थे और सवारी से उतर आते थे, अपना काम छोड़ देते थे, उससे बढ़कर बात करते थे जी। और फकीरों को भी, फकीरों की भी ईद का दूसरा नाम अली था। फकीरों की खुशी दीदनी होती थी जब उन्हें मौला अली नजर आ जाते थे, और अली मौला फकीर को देखकर एक मर्तबा उसकी तरफ बढ़ते थे जी। साथ बैठ के उनके खाना खाते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे थी, और जब फकीरों के साथ दस्तरखान पे बैठते थे तो अपनी रोटी, अपना रुमाल निकालते थे, उसे खोलते थे। अच्छा, एक गिरा, दूसरी गिरा, तीसरी गिरा, तो एक फकीर ने पूछ लिया, या अली इसमें क्या निकलेगा? इतने एहतमाम के साथ तो कीमती गिजाओं को बांधा जाता है। तो मौला ने फरमाया, देख लेना क्या निकलेगा। तो जब मौला ने वो रुमाल कई ग्राहों के बाद खोला तो सूखी रोटियां थीं, और वो भी जौ की रोटी हर एक के खाने के बस की बात भी नहीं है। तो उसने कहा, ये जौ की सूखी रोटी और आपने इतनी ग्राहें लगाई हुई थी? तो फरमाया, मैं ज्यादा ग्राहें इसलिए लगाता हूं कि हसनैन इस पर रोगन लगा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये रोगनी रोटियां बन जाए, मैं तो सूखी रोटी खाना चाहता हूं। तो किसी ने कहा, मौला मेरी वाली खा लीजिए। तो फरमाया, सदका मुझ पे हराम है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। आमदें आज ज्यादा हूं जी। ये जो मौला सबसे ज्यादा खुश नजर आते थे जब किसी फकीर को देख लेते। सुनेंगे, मुखय्यरीन तशरीफ फरमा है, मेरे दाएं बाजू पर भी, बाएं बाजू पर भी, मेरे सामने भी मुखय्यरीन बैठे हुए हैं, नेकियां करने वाले बैठे हुए हैं जी। ये जब कभी कोई ज़कात, कोई खुम्स, कोई सदका, कोई खैरात बटती थी ना, तब जो चाहूँगा, जब ये लोगों को इमदाद बटती थी ना मौला की तरफ से, तो बांटने वाले तो मौला के जो निज़ाम में, जो हुकूमत में, जो आपके साथी, जो आपके मुआविनीन थे, वो बांटते थे। मगर सुनेंगे क्या होता था, अली मौला फकीरों की तरफ जाके खड़े हो जाते थे। आप जरा गौर फरमाएं अली का अंदाज, यानी बट रहा है मसलन इस दरवाजे से बाहर वालों को, मसलन
तो मौला वहां जाके उनके साथ खड़े हो जाते थे। तो किसी साहबी ने पूछा, या अली आपकी तरफ से तो बांट रहे थे, आप वहां क्यों खड़े थे, आप वहां जाके क्यों खड़े हो जाते हैं? तो फरमाने लगे, मांगने वालों को शर्म ना आए। सुभान अल्लाह, लेने वालों को शर्म ना आए, जिन्हें बैतुल माल बांटा जा रहा है उन्हें शर्म ना आए कि हम लेने वाले हैं। अरे हम लेने वाले कैसे हैं, अली हमारे साथ है। भाई एक जुमला हदिया जरूर करूंगा, मेरा पसंदीदा मजमून है जिसे मैं छेड़ बैठा हूं। जी 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 जी, मेरा पसंदीदा मजमून है। मालिक अश्तर फरमाते हैं, तवज्जो, मालिक अश्तर को तो मेरे बच्चे जानते हैं ना, मौला अली के लश्करों के सालार, मौला अली के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मौला अली की तमाम फोर्सेस के सरबराह, जितने भी मौला के निजाम में, मौला की हुकूमत में शोबे थे, उन सब के सरबराह मालिक अश्तर। और ऐसा मौला का मुती और फरमा बरदार, मौला का पक्का और सच्चा शिया, जिसकी रहलत पर, जिसकी शहादत पर मौला अली फरमाए, काना अश्तरोली कमा कुंतोले रसूलुल्लाह, मालिक अश्तर मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं रसूलुल्लाह के। बहुत बड़ी बात है। मालिक अश्तर का जुमला हदिया कर रहा हूं। मालिक अश्तर कहते हैं कि अली का, थके तो नहीं है, अली का फकीरों से प्यार, अली का मिस्कीनों से प्यार मुझे यह सोचने पर बार बार मजबूर करता था, काश मैं भी फकीर होता। हम फकीर तो अल्लाह ना करे हो, जिस माने में फकीर मांगने वाले, जरूरतमंद, परेशान हाल, लेकिन कम से कम परेशान हालों के साथ तो खड़े हो सकते हैं, कम से कम मुश्किलात में मुब्तला लोगों के साथ तो जाके खड़े हो सकते हैं। तवज्जो है तो ये तो फरमाते हैं, नूरे चश्मे रहमतुल आलमीन, वो जो रहमतुल आलमीन की आंखों की ठंडक, आन इमाम अव्वलीन व आखरीन, जो अव्वलीन का भी इमाम है और आखरीन का भी इमाम है, तो वो जो सबसे पहले बनाया गया, सबसे आखिर में भेजा गया, तो उसने कहा जान की अमान हो तो कुछ कहूं। हज्जाज इब्ने यूसुफ से इब्ने होशब नामी एक रावी साहबी कहते हैं कि मैंने कहा कि जान की अमान हो तो कुछ कहूं, तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, बताओ क्या कहना चाहते हो। कहना, ये आया तो आखिरी जमाने की है, ये नाजिल नबी के जमाने में हुई है, समझ में आखिरी जमाने में आएगी। तो कहने लगा, कैसे, क्या मतलब है? कहने लगा, ये जो इरशाद हुआ है, इन मिन अहलिल किताब इल्ला लतुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यकूनु अलैहिम शहीदा, अहले किताब दुनिया से जाने से पहले मोमिन हो जाएंगे और फिर उसके बाद दुनिया से जाएंगे, जब मोमिन हो जाएंगे तब दुनिया से जाएंगे, ये आखिरी ज़माने में जब हज़रत महदी ज़ुहूर फरमाएंगे। जब हजरत महदी ज़ुहूर फरमाएंगे और उनके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे, तो तमाम अहले किताब हजरत ईसा के साथ मिलकर इमाम महदी को मानेंगे। और सब कैसे हो गए, तो नहीं, जान की अमान है क्या, नहीं मारूंगा नहीं, क्या ये मोहम्मद बाखिर ने बताया है? सलवात पढ़ लें मोहम्मद और आली मोहम्मद।
तो हजरत ईसा का मकाम अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम की अजमत अलैहिस्सलाम, वो कुरान में जिनके नाम का सूरा हो, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमतों को कुरान मजीद ने सारे नबियों की निस्बत ज्यादा बयान किया है। हजरत ईसा की अजमतों को, मौजज़ों को, कमालात को, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं जी, बीमारों को शिफा दे रहे हैं, कोढ़ के मरीजों को शिफा दे रहे हैं, बरस के मरीजों को शिफा दे रहे हैं, मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, माँ की गोद में कह रहे हैं मैं नबी हूं। कोई बोलता है एक दिन का बच्चा? मगर हजरत ईसा माँ की गोद में फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मुझे अल्लाह ने किताब देकर भेजा है और मुझे नबी बनकर भेजा है। तवज्जो है ना हजरात की? फिर जब इस कमाल का हामिल, थके हुए तो नहीं है, फिर बशारत देता हूं जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद है। कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, सलवात पढ़ ले नबी और आले नबी पर। इससे बुलंद सलवात हदिया करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तवज्जो है, उनको हमल कर रही है, कुरान को अपने ऊपर ले रही है, लिहाजा इस सीने में नहीं, ये पूरा वजूद इल्मे लाही है जी, ये पूरा वजूद इल्मे लाही है। कल्ब का मतलब, कल्ब का मतलब एक मरतबा ये है जो धड़कने वाला दिल होता है, एक मरतबा कल्ब पूरे वजूद को भी कहा जाता है। पूरे वजूद के ऊपर अल्लाह ने अपने कलाम को उतारा है और इस वजूद को संगीनी अता की है। इस वजूद ने या अपने ऊपर कुरान को लिया है या हुसैन को लिया है, लिहाजा कभी दोष पर बिठाते हैं, कभी सीने पे लिटाते हैं, कभी आगोश में उठाते हैं, कभी जबान चुसाते हैं, कभी पेशानी का बूसा देते हैं। कोई दिन नहीं गुजरता जो हुसैन के बगैर मुकम्मल हो जाए। कहीं जाते हैं तो आखिर में हुसैन से मिलते हैं, सबसे पहले मिल लेते हैं, जब आखिरी मुलाकात होती है तो हुसैन से मिलते हैं, और जब वापस आते हैं तो पहली मुलाकात इमाम हुसैन से करते हैं। जाते हुए आखिरी मुलाकात और आते हुए पहली मुलाकात। हुसैन के बगैर नबी मुकर्रम का दिन नहीं गुजरता। जब पहली मर्तबा आगोश में दिया गया, इंतजार में थे, बार बार फरमा रहे थे मेरा बच्चा मुझे लाके दो, चीफ ले आए हैं, नूर मुंतकिल हो गया है, या इब्ने या उम्मे कुसुम ने कहा, हजरत कुसुम इब्ने अब्बास की वालदा ने, ये चंद नाम आए जो उस वक्त बीबियाँ घर में थीं, उनमें से एक बीबी ने कहा कि मैं उसे नहला लूँ, बच्चे की आमद के बाद नहलाया जाता है ना बच्चे को, तो फरमाने लगी मैं उसे नहला लूँ, उसे कपड़े पहना दूं और फिर मैं आपको लाके देती हूं। तो वहीं से आवाज देकर कहा जिसे अल्लाह ने पाक बनाकर भेजा हो तुम उसे क्या नहलाओगी, मेरा बच्चा मेरी गोद में दो। और अपनी आगोश में लेकर इमाम हुसैन को देखा और फिर कुछ देर बाद रोने लगे। तो दूर से जनाब जहरा देख रही थी कि बाबा की गोद में मेरा हुसैन है, तो आवाज देकर कहा बाबा क्या मेरे बच्चे में कोई नक्स है, गला देख रहे थे, पुश्त में रू करके इमाम हुसैन की पुश्त देख रहे थे, कमर देख रहे थे, फिर हुसैन के बालों पर हाथ फेर के सर देख रहे थे, इस कैफियत में रो भी रहे थे, ये करते करते रो भी रहे थे। तो जनाबे जहरा ने आवाज देकर कहा बाबा मेरे बच्चे में कोई ऐब है, मेरे बच्चे में कोई नक्स है? तो फरमाया नहीं फातिमा, तुम्हारे बच्चे में कोई नक्स नहीं है, मैं अभी इस बच्चे को जब गोद में ले रहा था तो जिब्रील ने मुझे आके बताया यही वो हुसैन है जिसे करबला में भूखा प्यासा मारा जाएगा और जिसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जिसके जोड़ जोड़ को अलहदा कर दिया जाएगा। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, आप आमादा हो गए गिरिया करने के लिए।
तो जो लोग कभी कभी मजलिस में आते हैं या पहली मर्तबा मजलिस में आते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि हमें हमारे आइम्मा ने हुक्म यही दिया है कि जब हुसैन का जिक्र हो तो शर्म न करना, अपने बिगड़ते हुए चेहरे को सैयदा को दिखाना। सैयदा को तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। अजरकुम अल्लाह। जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मजलिस में तकल्लुफ करके ना रोया करें। जब आप मजलिस में ऐसे रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं और दुआ में जुमला ये कहते हैं, या अल्लाह ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं। दुआ दे रहे होते हैं रोने वालों के लिए। जिनके मजहब में रोना जायज नहीं है, उनके बड़ों ने अगर रोने से रोका है ना, तो जिनके मजहब में रोना जायज है उनके बड़े किसी के बड़े से कम नहीं है, और उन्होंने कहा है कि रोया करो। चले करबला, करबला चले। दो मुहर्रम में हुसैन मौला का काफिला पहुंच रहा है। इमाम हुसैन दो मुहर्रम को करबला आए हैं। चलिए चलिए करबला चलते हैं। इमाम हुसैन के सवारियों से पहले करबला चलें, ताकि कंकर बीने, पत्थर बीने, कांटे और खार चुने, करबला की जमीन से पत्थर चुन लें, कहीं कोई कंकर जनाबे सकीना को ना लग जाए। अजरकुम अल्लाह। कहीं कोई पत्थर जनाबे जैनब को ना चुभ जाए। दो मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंच रहे हैं। इमाम ने रजब की 28 तारीख को सन 60 हिजरी में इमाम ने मदीना छोड़ा और फिर वहां से मक्का आ गए और 6 महीने तक अपने बच्चों के साथ सफर में हैं। कभी सोचा है आपने, छोटे छोटे बच्चों के साथ, आज यहां रुकेंगे तो कल वहां रुकेंगे, आज वो जमीन गर्म है तो आज वहां आंधी तेज है। छोटे छोटे बच्चे आमादगी कर रहे हैं कि हमें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और फिर हर मंजिल पर यही बच्चों का, आपके बच्चे हैं, आप औलाद वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर ऐसे बच्चे साथ हो ना तो हर सफर में बच्चा ये कहता है इसके बाद वाला अच्छा सफर होगा, अब और आरामदेह सफर होगा। मगर हाँ, हुसैन इब्ने अली के बच्चों का हाल देखिए, हर मंजिल पिछली मंजिल से ज्यादा सख्त होती जा रही है, और मंजिलें सख्त होते होते करबला तक पहुंचे हैं। जहां ऐसे पहुंचे, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, 7 मुहर्रम से पहले पानी बंद हो गया था, 7 मुहर्रम को खैमों में पानी बंद हो गया, 3 दिन तक कैसे इन्होंने जिंदगी गुजारी है। मैं सख्त जुमले पढ़ने का आदी नहीं हूं, मगर किताबों में लिखा हुआ है, अगर बदन का पानी खत्म हो जाए ना तो खाल फटना शुरू हो जाती है। मैं नहीं जाना चाह रहा उस वादी के अंदर। अजरकुम अल्लाह। तबाई तौर पर, तिब्बी एतबार से बदन की हालत गैर हो रही होती है अगर प्यास इतनी शदीद हो जाए और तवील हो जाए, मगर कुर्बान जाएं हुसैन के बच्चों पर, ये भूखे भी थे मगर कभी रोटी नहीं मांगी, इसलिए कि माशरे में, इंसानी माशरे में रोटी मांगना ऐब है, पानी मांगना ऐब नहीं है। इन बच्चों की ये आवाजें तो आई अल अतश। अच्छा, पानी भी मांग नहीं रहे, आवाज लगा रहे हैं हम प्यासे हैं, बस बता रहे हैं कि हम प्यासे हैं, आवाजें नहीं दे रहे कोई पानी पिलाए। समझदारियां कुर्बान जनाबे सकीना, दुश्मन से पानी नहीं मांग रहे, अब्बास से कह रहे हैं पानी ले आइए। अजरकुम अल्लाह। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला करबला में पहुंचा, घोड़ा चलते चलते रुक गया। इमाम हुसैन अपने घोड़े को चाबुक नहीं मारते थे, इमाम हुसैन अपने घोड़े को ताजियाना चाबुक नहीं मारते थे, फरमाते थे रुक जा तो रुक जाता था, फरमाते थे तेज चल तो तेज चलता था, फरमाते थे दाएं मोड़ बाएं मोड़ तो ये हुक्म मानता था, फरमाते थे मैं उतरने वाला हूं तो घुटने टेकता था।
ये नबी की सवारी थी ना, नबी ने, नबी को ये हदीये में मिला था। उससे पहले इमाम हसन को एक घोड़ा नबी दे चुके थे, तो इमाम हुसैन कहते थे नाना मुझे कब देंगे। तो जब ये घोड़ा आया ना जुलजना, घोड़ों की उम्रें 25 साल से ज्यादा नहीं होती, घोड़े 25 सालों में मर जाते हैं। 30 साल का घोड़ा ढूंढने से मिलेगा, 4 साल का तो जवान, 6 साल का तो जवान हो जाता है, ये 25 साल में बूढ़ा होकर मर जाता है। ये 50 साल बाद भी जवान इस वजह से है कि ये नबी की सवारी है। रिवायत कहती है नबी जिस सवारी पर बैठते थे ना, नबी की बरकत की वजह से बूढ़ी नहीं होती थी। तो ये नबी की सवारी इमाम हुसैन को दी इमाम नबी ने, ये तुम्हारे लिए है। तो उस वक्त से इमाम हुसैन के पास था, इमाम हुसैन की हर बात मानता था। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ, या एक इस दिन हुआ या आशूर के दिन हुआ, जब इसने कदम नहीं उठाए। यानी हमेशा इमाम फरमाते चल तो चलता था, शायद मैं मेरे मुताले में दो ही दफा ऐसा हुआ कि इमाम का कहना इसने नहीं माना। एक दो मुहर्रम को खास जगह पे आके रुक गया, इमाम ने फरमाया चलो, तो ये चलता नहीं था, इमाम मारते तो थे नहीं, तो इमाम ने फरमाया दूसरा घोड़ा ले आओ। दूसरे घोड़े पे बैठे वो भी नहीं चला। रिवायत कहती है 10 घोड़े हुसैन ने बदले, मगर कोई घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहा। कुछ अगर बढ़ता भी है तो 2-4 कदम चलकर वापस हो जाता है, फिर वो आके एक जगह खड़ा हो जाता है। तो जब इमाम ने 10 घोड़ों को इस तरह से देख लिया ना, तो फिर हजरत अब्बास से फरमाया वो दूर जो घर नजर आ रहे हैं, एक देहात नजर आ रहा था इमाम हुसैन को, एक देहात के घर नजर आ रहे थे। हमने फरमाया वो जो दूर घर नजर आ रहे हैं वहां जाकर पूछो कि इस जमीन का नाम क्या है। अच्छा, जब हजरत वहां गए और उन्हें पता चला कि हुसैन का काफिला है, तो फिर वहां से लोग निकल निकल के इमाम हुसैन की जियारत करने आने लगे। नबी का नवासा गुजर रहा है हमारी आबादी से, हमारी आबादी के करीब से गुजर रहा है। तो बड़े बड़े लोग मजमा लग गया, तो उनमें जो जईफ लोग थे इमाम ने फरमाया उन्हें करीब बुलाओ। तो जईफ लोगों से पूछा इस जमीन का नाम क्या है, तो एक ने कहा हुसैन इब्ने अली, इसे नैनवा कहते हैं। इमाम ने फरमाया कोई और नाम, तो एक और बुजुर्ग ने फरमाया इसे गाजरिया कहते हैं, ने कहा इसे मारिया कहते हैं। कहते हैं कि कोई 10 से ज्यादा नाम बताए गए, मगर इमाम यही कहते रहे कोई और नाम, कोई और नाम। तो दूर एक बुजुर्ग को देखा जो दूर से खड़ा हुआ देख रहा था, इमाम ने फरमाया उनको बुलाओ। तो इमाम की तरफ वो आने लगे, तो इमाम भी कुछ आगे बढ़े। इमाम ने उनसे फरमाया कि आप इस जमीन का नाम बता सकते हैं, तो इमाम तो पूछ रहे थे इस जमीन का नाम क्या है, वो कहने लगे हुसैन आगे चले जाइए, आप आगे चले जाइए। तो इमाम ने फरमाया मैं सवारियां बदल रहा हूं, मेरी सवारियां मुझे सवारी नहीं दे रही, मेरे घोड़े मुझे सवारी नहीं दे रहे, मुझे इतना बताओ इस जमीन का नाम क्या है। तो कहने लगा हुसैन जो भी इस जमीन पर रुका है ना उसे तकलीफ हुई है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक लोगों को यहां तकलीफें हुई हैं, आप यहां से कहीं और चले जाएं। इमाम ने फरमाया आप इस जमीन का नाम बताएं। कहने लगा करबला। इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा आऊदु मिन करबिन वबला, या अल्लाह मैं करबला की तुझसे पनाह चाहता हूं। फरमाया अब्बास यही तो वो जगह है जिसके लिए मेरे बाबा ने तुम्हें अल्लाह से मांगा था, यही तो वो जमीन है जिसका मैं बचपन से इंतजार कर रहा हूं। ये किसकी मिल्कियत में है, बताया गया फलां की मिल्कियत में। इमाम ने पैसे अदा कर दी, यानी जमीन की कीमत भी अदा की, और फिर इमाम ने उन्हें हिबा कर दिया। हिबाले में लिखा ये जमीन तुम्हारी, पैसे भी तुम्हारे, मैंने जमीन की मिल्कियत तुम्हें माल के पैसे भी दे दिए, रकम भी दे दी, और जमीन की मिल्कियत भी तुम्हें दे रहा हूं 3 शर्तों पर। बस ये 3 शर्तें मुझसे सुन लीजिए आप, और मुझे आज की मजलिस में इजाजत दे दीजिए। इमाम ने फरमाया 3 शर्तों पर मैं तुम ही को यह जमीन वापस दे रहा हूं। पहली शर्त तो ये, मेरा जनाजा दफना देना। ये मेरा लाशा छोड़ के जाएंगे, तुम मेरा लाशा दफना देना। और अगर तुम्हें डर लगे
कि अगर तुमने मुझे दफनाया तो ये यजीदी कारिंदे आकर तुम्हें सजा देंगे, तो फिर तुम अपनी औरतों से कहना, मजलिस में खवातीन भी बैठी है ना, इमाम हुसैन ने अपनी तहरीक में खवातीन को बड़ा मकाम दिया है, बहन जैनब को भी लेकर आए हैं, फरमाया फिर अपने घर की औरतों से कहना कि वो आकर मुझे दफना दें। फिर फरमाया अगर तुम्हारे घर की खवातीन भी घबरा रही हो तो फिर बच्चों से कहना कि वो एक एक मुट्ठी खाक उठाएं और मेरे लाशे को छुपा दें, खाक में दफन कर दें। पहली शर्त तो यह है कि मेरा लाशा दफना देना, दूसरी शर्त यह है काश्तकारी ना करना, इस जमीन पर फसलें ना लगाना, तुम रहो घर बनाओ मगर इस जमीन पे काश्त मत करना। मैं तो नहीं समझा इस बात को सिवाय एक नुक्ते के, मुझे तो ये बात ऐसे समझ में आई कि अगर यहां हल चलेगा तो कहीं किसी शहीद का बदन बाहर ना आ जाए, कहीं किसी शहीद का उज्वे बदन बाहर ना आ जाए, कहीं किसी शहीद की बेहुरमती ना हो जाए, यहां हल ना चलाना। और तीसरी शर्त यह लगाई कि कुछ मुद्दत के बाद से, एक साल के बाद हुआ करबला के वाकये के एक साल के बाद ऐसा हुआ और आज तक ऐसा है, फरमाया कुछ मुद्दत के बाद मेरी कब्र की ज्यारत करने दूर दूर के लोग आएंगे। दूर दूर के लोग, अल्लाह हमें करबला की ज्यारत नसीब करे। मेरे मसीही बिरादरान भी मजलिस में बैठे हैं, इराक के, ईरान के, लुबनान, बहरीन के मसीही हुसैन को सलाम करने जाते हैं, सलेब हाथ में उठाकर जाते हैं और इमाम के दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करते हैं और कहते हैं हजरत ईसा का आपको सलाम, हजरत मरियम का आपको सलाम। फरमाया दूर दूर से लोग आएंगे, मेरी कब्र की जियारत करने आएंगे, उन्हें तीन दिन मेहमान रखना, मेरे जव्वारों को तकलीफ ना हो। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन फसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून। या हुसैन या हुसैन।